हम लोग जब अपने घरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है सर, आज उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है सर। हम अपने अधिकार रोजगार के लिए अभी पिछला जो है हमारा कार्यक्रम था 5 तारीख को, उसी की तर्ज पर आज 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट का प्रोग्राम आज पूरे देश में हो रहा है सर। और मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, आज हमको रोटी और रोजगार चाहिए। रोटी रोजगार सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, हमको सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर रही है। जब हम जैसे नौजवान सड़कों पर उतरते हैं तो इन्हीं की सरकार के महोदय जी जो अभी अभी कह रहे थे कि रोजगार देंगे, फैक्ट्रियां लगा देंगे, मनवर आप हमें ये बताइए कहाँ से रोजगार देंगे? आपने 4 साल में हमें कुछ नहीं दिया, हमको बस जुमला दिया है। आप सर ये सोचिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछली इतनी भर्तियां लंबित पड़ी हैं, 24 से अधिक भर्तियां, हम बताइए तो सब भर्तियों के नाम बता दें। सबसे पहली चीज ग्राम पंचायत, अरे आपको मालूम है, नाम बता दो, समझ कर आ जाएगा, हमें मालूम है। और जो लोग यहां बैठे हैं सर, सबसे पहली बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर, कोर्ट कचहरी में हमको लटकाया जा रहा है। आज जो है, आज हम युवाओं की मांग है कि हमको नौकरी, ठीक है, रुको रुको, अरे रुको भाई, बेटा चलाए कि हम बच्चा रुको, अरे रुको मेरे, हाँ रुको भाई, तुम्हारे साथी हैं धीरेन्द्र यादव, अध्यक्ष हैं यूपीएड संघ के। धीरेन्द्र आपके पास आऊं उससे पहले एक बात, मुझे लगता है कि एक शेर है अशोक जी, एक शेर आप राजनेताओं के नगर करता हूं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है मतलब जिंदा रहता है, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर हो। और विश्वसनीयता पर एक टिप्पणी कर दूं, अब्दुल उबैदुल्ला नसीर बैठे हैं, हमारे भाई उदयवीर जी बैठे हैं, अशोक जी हैं, 1984 कितना, 1984 इन दोनों बच्चों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद, उन जो बैठे हैं यहाँ वीरेंद्र और अभी, 1984 में खुर्शीद आलम, सलमान खुर्शीद के पिताजी फरुखाबाद से चुनाव लड़ने के, जिंदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ते, उन्होंने वहां कहा था पल्ला पार्क में जब सभा की कि आलू से वोदका बनाने वाली एक फैक्ट्री यहाँ लगेगी और उससे सबको रोजगार मिलेगा। 84 से आज तक कितने साल हो गए, अभी तक वोदका की फैक्ट्री की ही कुछ नहीं हुआ, बोतल जरूर बिक रही ठेके पे, वोदका की फैक्ट्री नहीं लगी, इसलिए हमको मालूम है हमारा। धीरेन्द्र यादव, थाली ताली दिया बाकी, फिर आगे सर्वप्रथम तौर पर सर हम सबको प्रणाम करते हैं जी। सर सबसे पहली चीज तो यह है कि हम बीपीएड बेरोजगार विगत 8 वर्षों से परेशान चल रहे हैं। एक 19 सितंबर 2016 को हमारा शासनादेश जारी हुआ था, पांडे जी सुन लीजिए, उसके बाद आचार संहिता लग गई जी। वर्तमान सरकार के द्वारा हम बेरोजगारों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है लगातार। अभी जैसे हमारे पांडे जी ने ये कहा कि संविधान की बात इन्होंने की और सारी चीज़ों की बातें कर रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए, सारी बातों को हमने गहनता से सुना, लेकिन कहीं से ये दिखाई नहीं दिया कि ये सरकार रोजगार के प्रति कोई काम करना चाहती है। कारण ये है सर, आपके डिबेट में कई बार मैं आ चुका हूँ, हमेशा अपनी बात को रखा हूँ, हम लोग सरकार से परेशान होकर माननीय न्यायालय की शरण में गए, सिंगल बेंच से हमारी जीत होती है। 3 नवंबर 2017 को हम लोग सिंगल बेंच से जीतते हैं, 12 अप्रैल सरकार डबल बेंच में चली जाती है, 12 अप्रैल 2018 को हम लोग डबल बेंच से जीतते हैं, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करती है, वो पुनर्विचार याचिका रद्द होती है, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? 69,000 भर्ती की बात आती है, सरकार सिंगल बेंच में हारती है, डबल बेंच में जीतती है, तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देती है, लेकिन वही एक बीपीएड बेरोजगार जो की फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में है, आज अगर बेसिक स्कूलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट की जरूरत है वो फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है। आज कोविड जैसी महामारी के समय पर कोई एक ब्रेक लेना है, जब ब्रेक लेना है, इस वक्त शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की कितनी उपादेयता देश और दुनिया और उत्तर प्रदेश में है कोरोना काल की बात है, मुझे लगता है उसकी जरूरत मेरे दोस्त अशोक पांडे भी समझेंगे और उचित स्थान पर इस बात को रखेंगे। इस वक्त बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक हो, इम्यूनिटी का सारा खेल ही वहां से है, बच्चा है
लेके 12वीं तक तो बच्चा वही रहता है ना, वहां से मजबूत बने, उसके लिए फिर लोग तो रखने होंगे। खाइयो ना पियो मेरी नीचे रहियो, कैसे नीचे रहेगी बहू, सास खाने पीने कुछ देने रही हो, करेगी खाइयो ना पियो मेरी नीचे रहियो। ये बड़ा विषय है, ब्रेक के बाद आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे।